अलग तरह के मशरूम के बारे में जानकारी रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो दूसरे मशरूम है उनको छोड़ के आप इसी पे आ जाओ। ये मशरूम है कॉर्डिसेप्स, जिसको कैटरपिलर मशरूम भी कहते हैं और कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। कीड़ा जड़ी कैटरपिलर मशरूम नाम इसका पड़ा है इस मशरूम का, इसलिए क्योंकि इसकी खुराक ही एक कीड़ा है, कीड़ा एट इट्स कैटरपिलर स्टेज। और जब ये बनता है तो दिखता भी ये कीड़ा जैसा ही है। बात आई समझ? खाने से नहीं डरना, कीड़ा नहीं है ये, इट्स ए ट्रू मशरूम, ए ट्रू फंगस इन किंगडम फंजी फाइलम एस्कोमाइकोटा। मशरूम जो लिए है ना कोर्स, उनके लिए है, शायद मिड टर्म में पूछा जाए। सोरबियोमाइसिस क्लास है, याद रखना, कॉर्डिसेप्टिडे द फैमिली। अच्छा, ये मेडिसिनल मशरूम कहलाता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, द नोन कंपाउंड इन इट इज द कॉर्डिसेपिन, जो इम्यून रेगुलेटरी में मदद करता है, अ नोन कंपाउंड इन दिस मशरूम। हाँ, लिखा है नहीं, आप देखो ना ये किस लिए है, कैसे हमें मदद करता है। दिस मशरूम इज नेटिव टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, जैसे हिमालयन रीजन है हमारा, तो हिमालयन रीजन में वी आर एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ रेडिएशन ऑलवेज, है ना। जो हायर रीचेस पे जाते हैं उनके लिए फायदेमंद है, दिस हेल्प्स पीपल इन व्हाट सेंस। एक तो मैंने बता दिया, हेल्प इन इम्यून रेगुलेशन। दूसरी बात जो उन्होंने कही ना, ये जो उसके असरात है उनको कम करने में मदद करता है। इन एडिशन टू दीज टू थिंग्स देयर इज वन मोर बेनिफिट फॉर पीपल लिविंग इन हायर रीजंस वेयर इन वी हैव ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है। इन दो सिचुएशंस आल्सो इफ वी कंज्यूम दिस टाइप ऑफ मशरूम, ये उधर भी हमें मदद करता है। बात आई समझ? कई तरह के बेनिफिट्स है इस मशरूम में। फॉर ऑल दीज रीजंस इट इज ए मेडिसिनल मशरूम। बात आई समझ? अच्छा, मेडिसिनल मशरूम हम यूजुअली किसको कहते हैं? इट मे बी ईदर हैविंग जस्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल यूज, हमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है इसके उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे हमारा एक ऐसा मशरूम है गैनोडर्मा, पीपल आर यूजिंग दिस मशरूम, इसको मशरूम इसको इस्तेमाल करते हैं गैनोडर्मा को थ्रू आउट वर्ल्ड, लेकिन पता ही नहीं है इसमें कौन सा कंपाउंड है जो हमें मदद करता है। तो ये भी मेडिसिनल मशरूम ही है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिनल मशरूम ऐसे हैं जिनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमें पता है और उनकी खासियत भी पता है, उनमें से ही एक है कॉर्डिसेप्स, जिसका मैंने अभी बोला कि इसमें कॉर्डिसेपिन है जो नोन कंपाउंड है फॉर इम्यून रेगुलेशन। बात समझ आई? तो मेडिसिनल मशरूम जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, देयर आर दीज टू रीजंस, ईदर वी नो द एक्टिव इंग्रेडिएंट और इट इज सिंपली हैविंग हिस्ट्री ऑफ यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो ये देखिए, देयर आर सम 17 कॉमन मशरूम्स जो ग्लोबली इस मेडिसिनल कैटेगरी में आते हैं। यू विल सी कॉर्डिसेप्स इज फिगरिंग इन दोज 17 कॉमन मशरूम्स, लेकिन इसमें एग्रिकस भी आप देखेंगे, एग्रिकस की स्पीसीज भी है इसमें, तो इनकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आज हमें क्या खास है इधर?
हमारे लिए खास क्या है? कॉर्डसेप्स है ना, बटन तो हम भूल गए अब, है ना? अच्छा, ये मशरूम कौन उगाता है? Who grows? Who cultivates? Who produces? मशरूम्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ मशरूम टाइप, टाइप की बात छोड़ के जो ग्लोबल सिनेरियो है ना, हमें लगता है कि हम कश्मीरी मशरूम उगाते हैं, है ना? फिर हमें लगता है कि इंडिया मशरूम उगाता है, फिगर नोवेयर। तो सबसे ज्यादा पैदावार है मशरूम की, दैट इज फ्रॉम यूरोप, 55% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, 50 लाख टनीज वी रियलाइज एनुअली, उसमें 55% इज फ्रॉम द यूरोप अलोन। या इस मशरूम की सर बोल रहे कि ओवरऑल सारी ओवरऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ मशरूम टाइप। ये डेटा सर कहां से है? ये डेटा इसमें नहीं, दिस इज फ्रॉम एक्चुअली डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है ना हमारा, ये उन्हीं की एक पब्लिकेशन थी। आप देख लीजिए कहाँ है हमारी प्रोडक्शन, जो हमें नजर आ रही है हम ग्रो कर रहे हैं। इसमें जो ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया इसमें है ही नहीं, वो छोड़िए ना इक्का दुक्का कुछ, अच्छा कमिंग टू type of mushroom, we see it is shiitake, that is number one, the share of 22% as far as the production is concerned at global level. It is oyster on number two, jiske baare mein bhi baat kar rahe the na hamare Igar sir, with a share of 19%. Alhamdulillah button mushroom is at fourth position. And the category wherein others are put, there lies the cordyceps and its species. So, सबसे ज्यादा production किसकी है? Shiitake है, medicinal mushroom. And what about the trend at global level? Is it decreasing or increasing? It is increasing at the rate of 7%. जो दुनिया में हम देखते हैं इसकी पैदावार वो बढ़ रही है हर साल एट द रेट ऑफ 7%, एंड इन इंडिया इट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट ऑफ 30-40%। एंड खुशी की बात है कि जो पिछले 5 साल है इसमें इंडिया की जो पैदावार है वो बढ़ गई है, लगभग 1 लाख से करीबन 3 लाख टन तक, और उम्मीद की जाती है कि इट विल बी सम 6 लाख टन इज बाय 2025। अगर कंजप्शन की बात की जाए ना, पर कैपिटा जो कंजप्शन है हमारे इंडिया में इट इज लेस देन 100 ग्राम। खाते कब है हम? जब दावत पे होंगे, है ना? सच है ना? इसीलिए कंजप्शन ही है। ये पर कैपिटा 100 ग्राम क्या है? पर डे, पर ईयर? नहीं, पर पर एनम, पर कैपिटा में। हाँ, ये फिर ये कैसे निकाला जाता है? आप खाते हो रोज, लेकिन आपके जो 10 लेबर्स है वो कभी नहीं खाते हैं। एवरेज है। तो जो पे एवरेज आता है ना पर कैपिटा, ये वो है। आप अपनी तरफ नहीं देखना खाते। अच्छा, इसके मुकाबले में इफ यू सी यूरोपियन कंट्रीज इट इज इन केजीज, 3-4 केजी। और मैंने देखा चाइना का एक रिपोर्ट, मैंने वो मुनासिब नहीं समझा इधर दिखाना कि आप बोलेंगे अरे ज्यादा ही कुछ बता रहा है, इट वॉज 20 केजी। मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया, मुझे नमूना में ब्योट ही ना, आई वुड नॉट नो एक्सेप्ट दैट फिगर बीइंग 20 केजी पर कैपिटा कंजप्शन। आपने सर उनको प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि आपने डेटा कहाँ से लाए, क्योंकि वो ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं तो प्रोडक्शन भी उनके होती है, क्योंकि वो इंपोर्ट तो नहीं करेंगे। अब व्हाई डू दे प्रोड्यूस, व्हाई डू दे कंज्यूम? कंज्यूम बिकॉज़ दे नो द बेनिफिट्स, हमें नहीं पता है ना। चाइना
अब नाउ इन इंडिया हमारे यहाँ कौन सी रियासतें हैं, कौन से इलाके हैं जहाँ पे मशरूम की पैदावार ज्यादा है? इट इज बिहार एट नंबर वन विद 10.82% शेयर इन प्रोडक्शन। हिंदुस्तान की बात है तो बिहार में सबसे ज्यादा है, फिर है महाराष्ट्र, और जेके को आप देख रहे हो है कहीं पे नहीं है ना? जो बेस्ट 10 स्टेट्स है उनमें है ही नहीं, 11वें पे भी होना चाहिए। लेकिन देयर इज वन रिपोर्ट, दिस सर्व्स एज ए होप। यू सी दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स लास्ट ईयर ऑन सितंबर 25th। इसमें पता चला दैट द मशरूम प्रोडक्शन इन कश्मीर ये बढ़ रहा, पीपल आर टेकिंग दिस मशरूम प्रोडक्शन एज एन एंटरप्राइज, प्रोडक्शन बढ़ रही है टू द एक्सटेंट दैट वी आर एबल टू मीट सम 50% ऑफ आवर लोकल डिमांड। लेकिन डिमांड ही कम है ना, डिमांड ही कम है, दैट इज व्हाई डूइंग नथिंग वी आर एबल टू मीट 50% ऑफ द लोकल डिमांड। असल में मसला क्या है, डिमांड ही कम है ना? लेकिन अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब कह रहे थे भी वी रिसीव थाउजेंड्स ऑफ नो टूरिस्ट एवरी ईयर, तो उस हिसाब से डिमांड कैन इंक्रीज डे बाई डे, वी हैव टू बी रेडी। और जो लोकल मार्केट है दे शुड नॉट बी द लिमिट, ये हमारे लिए ये हम लोकल मार्केट जो है हम इस तक महदूद न रहे, वी कैन एक्सप्लोर आउटसाइड मार्केट एज वेल, जा सकते ना हम बाहर भी, हाँ पेरिशेबल, पेरिशेबल है पटल, पेरिशेबल है ऑयस्टर, ढिंगरी जिसकी बात हो रही ना ये पेरिशेबल नहीं है। यू कैन सेल ड्राइड प्रोडक्ट, वो भी तब जब आपके पास अच्छा खासा उसका मुआवजा मिले, और यू कैन रिटेन। इसी के मशरूम जो अभी तक आपने सुना पिछले कुछ दिनों में, मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ बट मुझे नहीं लग रहा आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू दिस। अगर हम बटन मशरूम की बात करेंगे ना, दैट टू व्हेन यू सेल दिस प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ओनली 150 kg, ओनली 150 rupees पर केजी, आप कितना कमा सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ के अगर रिकरिंग कॉस्ट हम 65,000 लेंगे और यू आर प्रोड्यूसिंग 1,000 kg ऑफ बटन मशरूम, आसान है 1,000 kg, 1 ton यू कैन प्रोड्यूस। आप उन साहिब से पूछिए इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस 1,000 kg ऑफ बटन मशरूम? हंदवाड़ा गाय, हाँ आसान है ना? आपको लगा कि 1,000 kg प्रोड्यूस करना आसान है? ये बहुत आसान है 1,000 kg। मैं नहीं कह रहा मैं वो, मैं भी इस पे इज इट प्रॉफिटेबल एट ऑल? कोई भी मशरूम हम लेंगे तो 5 ton यानी 5,000 kg है ना? अरे वो एंटरप्रेन्योर ही तो बनना है हमने, हमें हमें प्रिज्यूम करना है कि वी आर
entrepreneurs here. So 1000 kg कोई बड़ी बात नहीं है ना. With that 1000 kg we can earn 85,000 rupees per annum. तो livelihood देगा ना ये, वही मुझे पूछना है. जब बटन मशरूम livelihood देगा at the rate of 150 rupees per kg, तो आप देखो कीड़ा जीड़ी क्या देगा. 2500 only dried product. कुछ ही उन्हों हाँ कितने में बिकता है वो गुच्ची मोचिला वो आप ग्रो नहीं करते हैं ना. इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर दिया था ना, मोचिला गुच्ची जिसको बोलते हैं, उसका कॉस्ट कितना जाता है. ये मैंने इंटरनेट से लिया, इट इज 30,000 पर केजी. जहाँ से मैंने 30,000 लिया गुच्छी के लिए, वहीं से मैंने 40,000 दिया किसके लिए, कीड़ा जीड़ी. बात आई समझ. क्या करोगे आप? कीड़ा जीड़ी करेंगे. ये है जी कीड़ा जीड़ी. कुरकुरे नहीं है ये. वो अंदर इंडोर नहीं कर सकते हो आप. किसी कुपवाड़ा में किसने किया था ना सर, उन्होंने वाइल्ड लाया था तो उसको वहाँ से वहाँ किया था, मगर ये इज नॉट बेसिकली इंडोर वो नहीं कर सकते. उसने वहाँ से ला के अपने उसने उसका पिछले साल वो भी आ गया था, वीडियो भी आ गया था, तो उसका वो मॉर्च ला के आया था. तो सर ने बोला था उसकी फूटिंग बॉडी नहीं बन रही है, जो बेसिकली मॉर्च ला है वो आता है दूसरे उसका एस्को स्कोर्स. और ये जो आप मोस्टली मशरूम देखते हैं ये बेसिकली स्कोर्स है. कीड़ा जीड़ी का क्या बोल रहे हैं आप? कॉर्डिसेप्स का चलना है आगे. कौन कौन करेगा? जरा आप ये भी करेंगे कीड़ा जीड़ी. यू कैन डू दिस, सब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द फैसिलिटी. हाँ, अब फैसिलिटीज में क्या क्या आपके पास हो, कुछ बेसिक और मिनिमल फैसिलिटीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है. Given the equipments, आपके पास एक autoclave हो. These you have already seen in our lab. From autoclave भी आपने देखा, आपने laminar flow भी देखा और आपने आपके पास एक incubator हो. Laminar chamber नहीं हो तो एक inoculation chamber आप इस तरह का बना सकते भी है और मंगा सकते भी है. अच्छा, है ना? ये है minimum facilities. अगर हम इक्विपमेंट की बात करें इतना ही आपको चाहिए. कमरा हो गया. इसमें ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ कंटामिनेशन ना हो जाए, जो एसेप्टिकली मतलब जिसमें माइक्रोबियल दूसरे सारे जरासीम ना आ जाए ना सर, वो रिक्वायरमेंट नहीं है. खासकर लैमिनर फ्लो वाले रूम इसमें चैम्बर जहाँ आपका होता है सर, ये जो मिनिमल फैसिलिटी है ना, नॉट नेसेसरी दैट दे शुड हैव
that type of room. Usme koi contamination aa jaye. Laminar flow. While you keep laminar flow, laminar at least there you should have the aseptic conditions. Sir, not necessarily in this case. मैं चाहता हूं कि ये इसमें आ जाए. जैसे हम बताएंगे आपको, अगर आप इस तरह करते हैं गोइंग विद 100% सक्सेस. अगर आप दैट वे नहीं जाते कैन बी 100% फेलियर, लेकिन आपके इक्विपमेंट बच जाएंगे. नथिंग गोइंग रॉन्ग इन दिस मार्केटिंग इशू नहीं है. आप इसको ड्राई प्रोडक्ट बेचते हैं, जब भी आपको मार्केट लगे कि आप आपके लिए अच्छा है, then only you can sell. ये इक्विपमेंट है क्या आप पहले चाय लेंगे? ध्यान है इधर. अच्छा, और भी कुछ चीजें चाहिए. जैसे ये डिब्बा मैंने इधर रखा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक किलो मवाद आ सके, और शीशे की कुछ बोतलें इस तरह की जिनको हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, मीडियम दरमियानी काम की 250 ml वाली. अब हम देखेंगे अगर आपको एक किलो कॉर्डिसेप्स मशरूम तैयार करना है, ड्राई कॉर्डिसेप्स मशरूम 1 kg यू वांट टू प्रोड्यूस, उसके लिए आपको जो हम रिकरिंग कॉस्ट जिस पे लगता है ना, तो क्या क्या आपको चाहिए, कौन सी अज़ा आपको चाहिए और किस मकदार में चाहिए. ये जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं जिसमें एक किलो समा सके, ये आपको 250 चाहिए. कितने? 250. ये फिर हमेशा रहेंगे, अभी हम डालेंगे इसको रिकरिंग कॉस्ट. कोनिकल प्लस ये शीशे की जो बोतलें हैं ये आपको बस 10 चाहिए. आपको चाहिए 1 liter स्पॉन. कभी आप स्पॉन को केजीज में लेते थे ना, या बॉटल्स में लेते थे, इतनी बॉटल्स या इतने केजीज. तभी पहली बार आपको लिक्विड में लेना है. लिक्विड स्पॉन आपको तैयार करना है. कितना? 1 liter. और सबस्ट्रेट जो ठोस मादा होगा जिस पे आप इसको उगाएंगे वो आपको चाहिए. ये सारी चीजें याद रखना. जो 1 liter स्पॉन आप तैयार करेंगे, तैयार करने के लिए ये अज़ा आपको चाहिए और इनकी मिकदार भी दी हुई है. ये स्टैंडर्ड जो अभी तक था ना वो ये है. स्पॉन तैयार करने के लिए ये अज़ा और इनकी मकदार दी हुई. खुशकिस्मती थी कि हमारी जो मैडम है अभी जो हेड डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी प्रेजेंट थी एट शालीमार, इससे पहले थी ये हेड डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वडोदरा. इन्होंने एक स्टूडेंट को काम कराया इसी पे. तो हम खुशकिस्मत थे कि हमें इसका मुतबादिल मिला. जो इतनी अज़ा इसमें दी हुई है हम इसको कम कर सकें. और ये है मिनिमम मकदार अज़ा की और जो इसमें आप ये स्पॉन तैयार कर सकते हैं. आपको जगरी चाहिए, पेप्टोन और पानी, ये तीन चीज़ें हैं जिसमें आप इसका स्पॉन तैयार कर सकते हैं. आप देखिए कितना लंबा चौड़ा लिस्ट. और इसका मुतबादल जो हमारी मैम की बदौलत हमें मिला, जैगरी पेप्टोन और वाटर. दिस इज अ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर दिस. वी हैड अर्लियर वी हैड सो मेनी थिंग्स टू बी द मशरूम्स फॉर स्पेस बनाने के लिए बहुत सी चीजें.
जैगरी पेप्लोर जो पहला वाला है दिस इज द मिनिमल और इससे जो बेटर है सेकंड वाला इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है खाली सक्रोस और एग योक इसमें दोनों चीजें अवेलेबल है सक्रोस जो टेबल शुगर जो घर में रहते हैं ना खांड वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वही है और एग योक एग अक्सर आज ये बच जाता है घरों में है ना योक ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खाते अभी बनाना कैसे एक लीटर में 200 ग्राम जैगरी 5 ग्राम पेप्टोन 30 ग्राम सक्रोस और 10 ग्राम एग योक ये मिलाना है और जो शीशे की बॉटल जिनका अभी मैंने जिक्र किया उनमें भरना है चाहे निसफ तक भरो या 2/3 तक भरो और फिर उसमें कॉटन प्लग लगाना है कॉटन प्लग उसके बाद इसको ऑटोक्लेव करना है स्टरलाइज करना है ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है कम से कम 15 मिनट्स के लिए इसीलिए मैंने बोला था ऑटोक्लेव आपको इसमें लगेगा अच्छा ऑटोक्लेव के बाद इसको निकालना है और इनक्यूबेटर में नहीं रखना है क्योंकि इसमें कुछ अभी डाला ही नहीं इनक्यूबेटर में रखेंगे तो कुछ ग्रो ही नहीं होगा पहले इसमें वो डालना है ना जो मदर कल्चर है आपके पास कॉर्डिसेप्स का उससे इन बॉटल्स को इनोकुलेट करेंगे इनोकुलेशन चैम्बर में जो भी मैंने दिखाया था इनोकुलेशन चैम्बर उसमें रख के हर एक बॉटल में आप कुछ मिकदार उस स्पॉन जो आपने बनाना है उसके मदर कल्चर का जैसे कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस फंगस का नाम है जिससे ये मशरूम आपको मिलता है बात आई समझ कॉर्डिसेप्स की मैं बताना भूल गया देयर आर मेनी स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज है कॉर्डिसेप्स की जो नेचर में हमें मिलती है और इम्पोर्टेंट है उसमें कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस लेकिन उन सब स्पीसीज में जो स्पीसीज हम ग्रो कर पाते हैं खुद आर्टिफिशियली वो है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस बात आई समझ कुछ सालों पहले कॉर्डिसेप्स की सेल पे बैन थी स्पेशली इन इंडिया बैन इसलिए थी वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ मशरूम आर्टिफिशियली सरकार को लग रहा था कि जो ये कॉर्डिसेप्स है ये तो खत्म ही हो जाएगा है ना लेकिन अब मुझे नहीं पता उस बैन का क्या हुआ बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू ग्रो दिस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस नाउ अच्छा जब आप डालेंगे इसमें ये मदर कल्चर का फिर उसको करेंगे इनक्यूबेट इनक्यूबेट करना है फॉर 15 डेज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात आई समझ लेकिन हर रोज इसको हिलाना है सुबह भी शाम भी ताकि जो उस जो रकीक मादा है आपके पास उसमें जितनी भी गजायत हैं वो सारी इस मशरूम को हासिल हो जाए और ये अच्छे से इसमें ग्रो हो जाए यहाँ तक होगी बात मतलब समझ आ गई कि आप स्पॉन इसका तैयार कर सकते हैं ठीक है ना अच्छा जब आपके पास स्पॉन आ गया अब आपको चाहिए ठोस मादा जिस पे आप ये स्पॉन डालेंगे मशरूम उगाने के लिए उसमें देखो कितनी लंबी लिस्ट है लिस्ट देख के ही लोग बोलते नहीं करेंगे है ना अगर इसका भी आपको मुतबादिल मिला हो जैसे ये हाँ कितना लंबा और कितना छोटा करेंगे देखो कितना लंबा लिस्ट पढ़ना भी मुश्किल कितना छोटा लिस्ट लेकिन आपको इधर भी ब्राउन राइस दिखेगा मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें है इधर भी है ब्राउन राइस क्योंकि ब्राउन राइस के मुकाबले में हमने दूसरे जो चावल हैं दूसरी तरह के
हमने वो भी टेस्ट किए, उनमें हमें ग्रोथ अच्छी नहीं मिली, तो ब्राउन राइस ही हमने रखा। लेकिन जो दूसरी अज्जा हैं उनके बदले हमें देखा, हमने देखा कि जगरी एंड एग योक अगेन, ये बराबर ही नहीं बल्कि जो ग्रोथ उधर हमें मिली उससे ज्यादा हमें इसको लेके मशरूम प्रोडक्शन मिला। टोटल आपको चाहिए 7 किलो ब्राउन राइस, 4 किलो आपको चाहिए जगरी, 200 ग्राम आपको चाहिए एग योक और 20 लीटर पानी। बनाने का तरीका क्या है, 7 किलो जो चावल है ये पहले अलग है, इसको छोड़ के जो तीन ये चीजें हैं जेगरी एग योक एंड वाटर, ये तीन आपने मिलाने हैं। जो इसका गोल आप तैयार करेंगे और आपके पास वो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, है ना, आपके पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं अभी नहीं लिए ना, अच्छा, उन डिब्बों में 80-80 ग्राम चावल आपने डालने हैं। कितना डालना है आप समझ पाते हैं उर्दू? मुझे लग रहा है ये नहीं समझते उर्दू आपकी, बिल्कुल वो नहीं सर, आप समझते उर्दू? मतलब ये नहीं समझते उर्दू, मगर समझते हो। 80 किलो ये ना, 80 ग्राम चावल किस में डालने हैं? फिर आपके पास वो चावल ही बनेगा सारे के लिए, आप देखना अभी। अच्छा कितने कितना डाला? 80 ग्राम चावल हर एक डिब्बे में। फिर उसमें डालने हैं 33-35 मिलीलीटर ऑफ न्यूट्रेंट लिक्विड जो आपने तैयार किया 20 लीटर। कितना डालना है? 33 लगभग 35 मिलीलीटर तक डालने हैं। कितने? 35 जो 80 ग्राम आपने डाले डिब्बे में चावल उसमें डालोगे अब आप 35 ml ज्यादा से ज्यादा, बात है समझ? डाला उसका ढक्कन किया बंद। बिफोर क्लोजिंग द लिड आप देखेंगे कि जो लिड है आपने उसमें सुराख एक किया, क्या किया? सुराख, जिसमें आपका ये अंगूठा है ना आ सके, इतना बड़ा 10-15 millimeter डायमीटर, और उसमें आप कॉटन लगाएंगे, जैसे आपने बॉटल को प्लग किया था नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन से, उसी तरह इसको भी आप करोगे प्लग, किससे? कॉटन से। अब इन डिब्बों को आप ले जाएंगे ऑटोक्लेव में, इनको स्टरलाइज करना है, ठीक है? Yes, sir. कितनी देर के लिए? 15 में 15 मिनट के लिए, 15 LBs के लिए, वो क्या हुआ 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? वहां से निकाल के फिर से लेना है इनोकुलेशन चैम्बर में, चाहे आपके पास वो लेमिनार फ्लो हो बड़ा या वो छोटा वाला जो मैंने दिखाया जो 5000 का ज्यादा से ज्यादा आता है, उसमें ले जाके इसमें अब इनोकुलेशन करनी है। इनोकुलेशन किससे करेंगे? जो आपने स्पॉन तैयार किया 1 लीटर का उसमें से डालेंगे आप ज्यादा से ज्यादा 5 ml, 3 ml से 5 ml तक, एक सिरिंज से, वो लिक्विड ही है ना, 5-5 ml हर एक डिब्बे में डाल के वो इसका जो कॉटन प्लग है वापस रखना है, वो रखना है इनक्यूबेशन चैम्बर में। किस में रखना है? इनक्यूबेशन चैम्बर में। ह्यूमिडिटी क्या हो क्या ना हो उससे आपको गरज नहीं है, लेकिन जो टेम्परेचर है उधर का वो रहना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना रहना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ह्यूमिडिटी का मैंने क्यों बोला अभी, ह्यूमिडिटी आप पहले से रखो 80 और 80 above। इसमें जो टेक्निक थी वो थी ढक्कन बंद करने की टेक्निक पहले, तो जब ढक्कन बंद हो अंदर का जो मॉइस्चर है वही काम देगा, तो बाहर की ह्यूमिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमने इसमें सुराख किए पहले ही ताकि बाद में हमें ये ढक्कन खोलना ना पड़े, बात आई समझ? तो पहले से ही अगर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी जो अंदर का मॉइस्चर है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो पहले से ही आप ह्यूमिडिटी ही
बनाए रखोगे 80 एंड 80 अबव, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा? 25 और डार्क रहेगा, वो रहेगा डार्क भी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मॉइस्चर नहीं, ह्यूमिडिटी 80 एंड 80 अबव। ये रहेगा सम 10 to 15 डेज। 10 दिन के बाद ही आप देखोगे कि इस जो ये फंगस है, जो लावा है, इसकी ग्रोथ आप देखोगे। अगर ये आ गई है इसकी सतह पे, इसका मतलब है इसने इसको कम्प्लीटली कॉलोनाइज किया है। अब हम इसको जो नेचुरल लाइट का एक्सपोजर दे सकते हैं, बात आई समझ? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगते हैं इसको, इस माहौल में इसको कॉलोनाइज करने में। जब ये पूरा इसमें ग्रो करेगा, जैसे इस इंडिगो में आपको लग रहा है ना, आपको दिख रहा है वहां से ग्रोथ दिख रही है ना, इसी तरह की ग्रोथ आपको लगेगी इन डिब्बों में आ गई है। तो इस स्टेज पे आप इसको क्या करेंगे? एक्सपोज किधर? नेचुरल लाइट, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही। रूम टेम्परेचर चूंकि वेरी करता है, मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा इस टाइम आप टेम्परेचर रखेंगे 20, अगर फिर प्लस माइनस 2 भी हो जाए, यानी 18 से 22 तक इस तरह का टेम्परेचर रहेगा ना, यही अच्छा है इसके लिए। अब 25 नहीं, पहले 25 था कॉलोनाइजेशन के लिए, अब कुछ डिग्री कम करके 20 के आसपास, 18 से कम नहीं, 22 से ज्यादा नहीं, ये ऑप्टिमम रेंज है इसके लिए। रखना है ये कमरे में जहां पे दिन की रोशनी भी इसको मिलेगी और रात का अंधेरा भी मिलेगा, जो नेचर में होता है, बात है समझ? ये तब तक रखना है ऐसे ही। आपको जैसे बटन में आप देखते हैं पिन हेड स्टेज, अगर किसी ने देखा होगा, इसमें भी उसी तरह एक इनिशियल बनता है पहले, बात समझ आई? उस टाइम पे आप इसके ढक्कन थोड़े से खोल भी सकते हो, थोड़े से खोल भी सकते हो। इसीलिए सर ने बोला था कि कमरा भी सैनिटाइज्ड हो, यानी उसमें किसी तरह की कंटामिनेशन ना आए। अदरवाइज टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आसपास कंटामिनेशन भी हो ना, तो वो डिब्बे में क्या जागे करेगा, कैसे जाएगा ही नहीं, है ना? ये स्टेप करने के लिए कि थोड़ा डिब्बा जो आप जो ढक्कन है इसका, इसको आप थोड़ा खोलो, ये नहीं हटाना नहीं है, लेकिन टाइट भी नहीं रखना है, बात आई समझ? उस टाइम पे कंटामिनेशन ना आ जाए, इसीलिए सर ने बोला था कि कमरा भी मतलब सैनिटाइज्ड हो, एसेप्टिक कंडीशन ये पूरे कमरे में हो। इट विल बी टेकिंग सम 15 डेज मोर टू प्रोड्यूस दिस, और ये आपको तब पता लगता है कि ये बन गया जब इसका जो ऊपरी जो सिरा है वो थोड़ा सा गोल गोल और मोटा बनेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी स्पॉन है, अगर आपके पास ऑलरेडी तो मुझे बताएगा कोई कि कितने दिनों में आपको ये फ्रूट मिलेगा? हाँ, 30 डेज एट द मोस्ट, है ना? कितने लगेगा ना, फिर अगर 35 भी लगेंगे किसी को, अब अगर 40 डेज भी है, मानी 1 केजी क्वाड्रिसेप्स यू आर हार्वेस्टिंग एंड यू आर अर्निंग 40,000। जब कोई 1 केजी ये ग्रो कर सकता है तो 2 केजी क्यों नहीं कर सकता, 3 केजी क्यों नहीं कर सकता? कोई लिमिटेशन है इसमें? आप देख रहे थे इसे, कोई लिमिटेशन है? जार भी अवेलेबल है ना, स्पेस भी आपके घर में अवेलेबल है, चावल भी है, जैगरी भी है, स्पॉन वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है,
ऑटो क्लियर नहीं है तो प्रेशर कुकर है घर में जी मैम, मैंने स्मॉल ही दिखाया था इसमें 25,000 रुपीज बड़े से शुरू नहीं करेंगे, छोटे से शुरू करके जब एक्सपीरियंस में हो जाएगी फिर बड़ा यूनिट हम खोलेंगे। मार्केट प्लेस आपको यहाँ नहीं देखना है, लालचक में कौन लेगा, सुपौल में कौन लेगा, इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। For that matter, you have to be extra smart. Huh? लेकिन इसका मार्केट है, ये बिकता भी है और लोग लेते हैं। मैं बताना भूल गया, इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी बूस्टर। बहुत ही अच्छा मशरूम है, मुझे लगता है आप स्पीक अप करो। कंज्यूम कैसे होते हैं सर? ये ऐसे सूखा भी चबाते हैं, चाय के साथ भी डालते हैं, पानी के साथ भी, दूध के साथ भी, पाउडर भी बनाते हैं। इसके लिए लेकिन शादी नहीं बनाते। मैंने मत आपका टाइम जाया किया। ये तो बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे तरह से समझा दिया कि हर एक को, ये तो बिल्कुल जिसको बिल्कुल पता भी नहीं होगा इसके बारे में उसको भी समझ आएगा। मुझे जब भी मौका मिलेगा ना तो मैं इसको करूंगा, इंशाल्लाह। मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं इसको करूंगा, मुझे भी टाइम ही नहीं। वेलकम टू डॉक्टर फारूक साहब फॉर डिलीवरिंग सच अ नाइस लेक्चर, और बहुत ही मतलब आसानी से सबको समझ में आ गया। इसको उर्दू में बना रखा था कि सबको समझ आ गया, और इतना इंटरेस्टिंग था कि हर एक को इसने इंटरेक्ट कराना, कोई अगर किसी का ध्यान अगर उधर था तो वो भी ध्यान दे रहा था, है ना। तो थैंक यू टू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बट फॉर सम।